Dodo TV. बद्री चाचा, आपकी दुकान में से रात को अजीब सी आवाजें आती हैं। बेटा, मैंने तो लेकिन कभी वो आवाजें नहीं सुनी। कैसी आवाज की बात कर रहे हो? किसी के रोने की अजीब सी आवाज आती है और कभी कभी लगता है कोई हमें बुला रहा है। मैंने और समीर ने दोनों ने ये आवाजें सुनी हैं। अच्छा बेटा, मैं देखूंगा कि ये कैसी आवाजें हैं। और अब जब भी तुमको ऐसी आवाजें आए तो तुम मुझे बताना। जी चाचा। राहुल वहां से चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें सबको सुनाई देने लगती हैं। यार बद्री, तुम्हारी दुकान से अजीब सी रोने की आवाजें आती हैं। कोई बिल्ली पाल रखी है क्या? हाँ, ये बात कुछ दिन पहले राहुल ने भी मुझे बताई थी, लेकिन मुझे तो किसी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन पूरे दुर्गापुर गांव ने आवाजें सुनी है। कई लोग तो डर के कारण तुम्हारी दुकान के आसपास रात को जाते तक नहीं। मुझे लगा तुमने कोई जानवर पाला है रखवाली के लिए। नहीं श्याम, लेकिन ये चिंता वाली बात है। आज रात को मैं दुकान में ही रुकूंगा। जैसा तुमको ठीक लगे। चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा। बहुत दिन से हम दोनों दोस्तों ने गपशप नहीं की, बातें करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम आज दुकान पर ही रुकेंगे। दोनों दुकान पर ही रुकते हैं और बहुत देर तक बातें करते हैं। और बात करते करते दोनों की आंख लग जाती है और रात को 3 बजे अचानक से रोने की आवाज आती है, तो दोनों की नींद अचानक खुलती है। श्याम, ये कैसी आवाज थी? हाँ, ऐसी ही आवाज रोज आती है। दोनों दुकान में देखते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर उनकी नजर एक तिजोरी पर पड़ती है। तिजोरी में से धीरे धीरे एक आवाज आ रही होती है। बद्री, बद्री। ये तिजोरी कैसी है? इसमें से ही आवाज आ रही है? ये तिजोरी पुरानी हवेली से मिली है। मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा मैं इसको रंग रोगन करवा लूंगा और अपने पास रखूंगा। लेकिन इसमें से तो आवाजें आ रही हैं। लेकिन ये कैसी आवाजें हैं? तुम बात करने की कोशिश करो इस आवाज से, शायद कुछ पता चल पाए। हाँ श्याम, कौन है आप? लेकिन तिजोरी से कोई आवाज नहीं आती और अचानक से बहुत तेज रोने की आवाज आती है। आवाज इतनी तेज होती है कि पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। अरे क्या हुआ, इतनी तेज रोने की आवाज कहां से आई? अरे कुछ नहीं, दो बिल्लियों की लड़ाई हो रही थी, उन्हीं की आवाज थी। क्या चाचा, इतने दिनों से बिल्लियों ने डरा कर रखा था? ये तो होता रहता है, अब आप लोग जाकर सो जाइए। सब वहां से चले जाते हैं। फिर श्याम बद्री को कहता है, पास के गांव में एक बाबा हैं, वो हमें बता सकते हैं कि बात क्या है। श्याम, तो हम सुबह चलते हैं बाबा के पास और उनको सारी बात बताते हैं। हाँ बद्री, हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। सुबह होते ही बद्री और श्याम बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। मुझे उस जगह जाकर देखना होगा। आप हमारे साथ चलिए बाबा। ठीक है। बाबा बद्री और श्याम के साथ दुर्गापुर जाते हैं और बद्री की दुकान पर जैसे ही कदम रखते हैं, उनके कानों में बहुत तेज रोने की आवाज आती है। ये तिजोरी कहां से लाए हो? पुरानी हवेली से। ये क्या किया तुमने? एक बात तो बताओ, इस तिजोरी के आने के बाद तुमको कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं बाबा, बल्कि मेरी ये कबाड़ी की दुकान और अच्छी चलने लगी है। इसका मतलब इसे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बाबा, इस तिजोरी में है क्या?
इस तिजोरी में चुड़ैल है। पुरानी हवेली में ये कबाड़ में पड़ी थी। इसे कबाड़ वाली चुड़ैल कहा जाता था। इसका रहस्य कोई नहीं जानता। जब ये हवेली में थी तो वहां भी रोने की आवाजें आती थी, लेकिन इसने तुमको नुकसान नहीं पहुंचाया। मतलब ये तुमसे कुछ और चाहती है। क्या चाहती है बाबा? ये इस तिजोरी के अंदर कैद है। इससे हमें पूछना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक पूजा करनी होगी, जिससे कुछ देर के लिए इसे हम इस तिजोरी से बाहर लाएंगे, जिससे ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ठीक है बाबा, आप बताइए कि पूजा के लिए आपको क्या क्या चाहिए। बाबा बद्री और श्याम को कुछ चीजें बताते हैं और दोनों पूजा के लिए सारी चीजें बाबा को लाकर देते हैं। ये पूजा हम रात को 12 बजे से 3 बजे तक करेंगे। जी बाबा। अब रात का समय भी हो जाता है और पूजा शुरू हो जाती है। जैसे जैसे पूजा होती है, कबाड़ी वाली चुड़ैल का रोना तेज पर तेज होने लगता है। गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये कैसी आवाज है बद्री भैया? मैं बाद में सब बताऊंगा, अभी आप लोग मेरा साथ दें। हाँ भैया, आप चिंता ना करें। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहती हो तो बोलो। मुझे इस तिजोरी से आजादी चाहिए। मेरा इस तिजोरी में दम घुटता है। लेकिन तुम इस तिजोरी में आई कैसे? मैं पुरानी हवेली में नौकरी करती थी, लेकिन मैं जादू टोना भी करती थी। एक दिन मालिक ने मुझे ऐसा करते देख लिया और मुझे एक तांत्रिक से कहकर छोटा सा बनाकर इस तिजोरी में रख दिया। तब से आज तक मैं इस तिजोरी में कैद हूँ और मुझे कबाड़ी वाली चुड़ैल कहा जाने लगा। अगर हमने तुमको आजाद किया तो तुम फिर से लोगों को परेशान करोगी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल चुकी है। ठीक है, लेकिन मैं तुमको पूर्णिमा वाली रात को आजाद करूंगा। आज अमावस्या है। जैसा आप। लेकिन तब तक तुम रो रो कर किसी को परेशान नहीं करोगी? नहीं परेशान करूंगी बाबा। बाबा बाहर आते हैं और बद्री और गांव वालों को सारी बात बताते हैं। लेकिन बाबा, हम इसे आजाद करवाकर कोई मुसीबत न सर ले लें। हम इसे आजाद नहीं करवाएंगे तो ये वैसे भी पूर्णिमा के दूसरे दिन आजाद हो जाएगी, और उसके बाद ये बहुत शक्तियों के साथ आजाद होगी। हर तरफ तबाही मचा देगी। क्या मतलब बाबा? जिसने इसको इस तिजोरी में कैद किया था, उसको इसे कैद करने की पूर्ण विधि नहीं पता थी। उसने कुछ समय के लिए ही इसे कैद किया और अब ये बाहर आने वाली है। लेकिन मैं अपनी पूजा से इसको फिर से जीवित करके बाहर लाऊंगा। फिर ये एक साधारण इंसान होगी। फिर ये किसी को परेशान तो नहीं करेगी ना? नहीं, फिर ये किसी को परेशान नहीं कर पाएगी। लेकिन तब तक ये नींबू तुमको तिजोरी के सामने रखना है, जिससे ये रो ना पाए। ये चुड़ैल रो रो कर बहुत शक्तियां इकट्ठा कर रही है। आप हमें बचा लीजिए बाबा। आप सब चिंता ना करें, सब ठीक ही होगा। इतना कहकर बाबा चले जाते हैं और पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन उनके जाते ही कबाड़ी वाली चुड़ैल फिर रोने लगती है। बद्री, तिजोरी के सामने नींबू रखो। बद्री तिजोरी के सामने जैसे ही नींबू रखता है, चुड़ैल चुप हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे नींबू लाल होने लगता है, और जब पूरा नींबू लाल हो जाता है तो चुड़ैल फिर रोने लगती है। श्याम, ये क्या हो रहा है? लगता है बाबा के पास जाना पड़ेगा। हाँ,
बद्री और श्याम बाबा के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। मुझे लगा था ऐसा ही होगा। एक काम करो, ये धागा लो और ये धागा तुम तिजोरी के चारों तरफ बांध देना और अब मैं पूर्णिमा वाली रात को ही इस पूजा से उठूंगा। ठीक है बाबा। बद्री और श्याम जाते हैं और उस धागे को तिजोरी के चारों ओर बांध देते हैं। चुड़ैल शांत हो जाती है, लेकिन पूर्णिमा के एक दिन पहले ही वो धागा अपने आप खुल जाता है और चुड़ैल रोना शुरू कर देती है। अब तो बाबा के पास भी नहीं जा सकते और इस चुड़ैल को चुप करना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन क्या करें? इतने में राहुल कहता है, बद्री चाचा, बाबा ने आपको नींबू दिए थे ना? हाँ। तो कितने नींबू बाकी हैं अभी? हाँ हाँ, 12 नींबू। तो वो नींबू आज और कल तक चुड़ैल को चुप कर सकते हैं, फिर बाबा आ ही जाएंगे। बात तो ठीक है। अब बद्री वो नींबू तिजोरी के सामने रखता जाता है और चुड़ैल नींबू रखते ही शांत हो जाती है। और अब पूर्णिमा वाली रात भी आ जाती है। पूर्णिमा वाली रात को बाबा पूजा शुरू करते हैं। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विजय। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विजय। ओम त्र्यंबकम् यजामहे। और उस चुड़ैल को तिजोरी से बाहर लाते हैं। पूजा के बाद उस चुड़ैल को इंसान बनाते हैं। मैं कौन हूँ और आप लोग कौन हो? तुम्हारा नाम शांति है और तुम बेहोशी की हालत में हमें मिली थी। मुझे कुछ याद नहीं, आपको मेरा नाम कैसे पता? तुम्हारे हाथ पर लिखा है। कोई बात नहीं, तुम इस गांव में रह सकती हो। गांव वाले समझ जाते हैं कि चुड़ैल को उसकी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं बताना है और चुड़ैल को शांति के रूप में। कौन है इतनी सुबह? आ रही हूँ बाबा। दिव्या ने दरवाजा खोला तो अचानक एक साये ने उसका हाथ खींचा और उसे अपने साथ लेकर उड़ गई। कौन हो तुम? मुझे छोड़ो, कहाँ लेकर जा रही हो? तुझे अपने साथ लेकर जाना है, पर मैं तुझे तेरे शरीर के साथ नहीं ले जा सकती। वो साया उसे लेकर उड़े जा रहा था। दिव्या का चिल्लाते चिल्लाते गला सूख गया। वो साया उसे ऊंचे पहाड़ों में ले जाकर नीचे खाई में फेंक देता है। बचाओ, बचाओ! बचाओ, बचाओ! दिव्या, उठो, उठ जाओ। कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, बहुत डरावना। क्या देखा? सुबह का सपना था, कहीं सच हो गया तो मैं मर जाऊंगी। उन दोनों के बीच गहरा सन्नाटा पसर जाता है। उस सन्नाटे को चीरते हुए अलार्म बज उठता है। यार, सिर्फ एक सपना ही तो था। लीव इट, वॉक पर चले। हाँ, सपना ही तो था, चलो चलते हैं। वो दोनों वॉक के लिए निकल जाते हैं। वॉक करते करते उन्हें महसूस होता है कि कोई साया आकर उनको बार बार घेर रहा है। वो साये से बचते बचते रोड के बीच में आ जाते हैं। तभी एक सामने से ट्रक आ जाता है। दिव्या जल्दी से कार्तिक को धक्का देती है। कार्तिक दूर जाके गिरता है। जब खुद को संभाल कर वो दिव्या की तरफ देखता है तो वहां लोगों की भीड़ लगी होती है। उदाड़कर भीड़ को चीर कर अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से आवाज आती है, कार्तिक, कार्तिक! वो पलट कर दिव्या को देखता है और उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है। थैंक गॉड,
तुम ठीक हो? मैं तो डर गया था, पता नहीं अचानक ट्रक कहां से आ गया। लगता है ड्राइवर पीकर चला रहा होगा। घर चलें? हाँ बेबी चलो। तभी वो साया फिर से कार्तिक को दिखता है। मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। वो साया दिव्या के पास आता है और चला जाता है। तुम किससे बातें कर रही हो? किसी से नहीं, घर चलो। वो दोनों वहां से घर की ओर चल देते हैं। तभी उन्हें एक एम्बुलेंस दिखाई देती है जो एक्सीडेंट वाली जगह की ओर जा रही होती है। यार एक्सीडेंट के टाइम में तो बस हम दोनों ही वहां थे और हम दोनों तो ठीक है। ट्रक वाला तो तुरंत भाग गया था, तो ये एम्बुलेंस वहां क्यों जा रही है? कार्तिक मुझे जोर से भूख लगी है, घर चलें। अच्छा बाबा चलो। क्या खाओगी नाश्ते में? कुछ भी, बस जल्दी से ले आओ। मैं लाऊं? हाँ क्यों, नहीं ला सकते क्या? अरे बेबी तुम बोलो और मैं ना लाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? कार्तिक नाश्ता लाकर डाइनिंग टेबल पर लगाता है और दोनों खाने लगते हैं। तभी कार्तिक का मोबाइल बजता है। मोबाइल दूर रखा होता है तो कार्तिक वहां जाकर कॉल रिसीव करता है। हेलो, आप कार्तिक शुक्ला बोल रहे हैं, दिव्या जी के हस्बैंड? हाँ आप कौन? मैं कुणाल हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, इस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में उन्हें लाया गया था, उनकी डेथ हो गई है। क्या बकवास ये, मेरी वाइफ मेरे साथ नाश्ता कर रही है, ऐसे प्रैंक्स मत किया करो, समझ गए? सर आपके किसी जानने वाले ने ही आपकी वाइफ की पहचान की है और आपका नंबर दिया है। What bullshit? आप लोग हॉस्पिटल वाले भी ऐसा मजाक कर सकते हो क्या? वो बात करते करते मोबाइल लेकर डाइनिंग हॉल में आता है तो चौंक जाता है, वहां दिव्या नहीं होती है। वो इधर उधर सब जगह उसको ढूंढता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। तभी फोन से आवाज आती है। सर आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। कार्तिक सुन्न हो जाता है, उसके हाथ से मोबाइल छूटकर गिर जाता है। वो वहीं जमीन पर असहाय बैठ जाता है, बेचैन होकर रोने लगता है। रोते रोते वो जमीन पर ही लेट जाता है। दिव्या तुम कहाँ चली गई? अभी तो हम अच्छे से नाश्ता कर रहे थे ना, प्लीज वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तभी किसी की आहट होती है। कार्तिक आंखें खोल कर देखता है तो खून लगे पैरों के निशान बन रहे होते हैं जमीन पर, और वो आहट उसकी तरफ आ रही होती है। वो डर जाता है। दिव्या मुझे पता है, ये तुम सामने आ जाओ प्लीज। लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है, पर्दे उड़ने लगते हैं और फिर इस डरावने माहौल में खून से लथपथ दिव्या और उसके साथ वो साया उसके सामने आ जाता है। वो बहुत डरावनी दिख रही होती है। जलती बुझती लाइट में वो और भी डरावनी दिखती है। दिव्या कार्तिक जल्दी चलो, वक्त नहीं है हमारे पास। बेबी मुझे भी अपने साथ ले चलो। सुबह से तू मुझे घुमा रही है, अब चलेगी? मैं तो ट्रक एक्सीडेंट में ही मर गई थी, अब मुझे जाना होगा बाबू, अपना ख्याल रखना। वो साया आकर दिव्या का हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों बंद दरवाजे को पार करके चले जाते हैं। कार्तिक वहीं निशब्द बैठ जाता है और फिर रोने लगता है। कुणाल, धीरज और आयुष
कॉलेज एग्जाम्स के बाद अपनी कार से ट्रिप पर निकले थे। धीरज ड्राइव कर रहा था। फ्रंट सीट पर कुणाल बैठा था और बैक सीट पर आयुष बैठा था। यार इस बार का ट्रिप बहुत स्पेशल होने वाला है। हाँ भाई, अब हम बड़े हो गए। तूने सब कुछ रख लिया था ना जो मैंने कहा था? मेरे पास जो था वो मैंने रख लिया था, बाकी ले लेंगे रास्ते से। ठीक है। तभी सामने एक मॉल दिखता है। धीरज गाड़ी रोक, मुझे कुछ लेना है। भाई जल्दी आना। कुणाल कार से उतरकर मॉल की तरफ चला जाता है। क्या लीना, क्या था इसी? अरे पागल है वो, पता नहीं घूमने जा रहा है या गृहस्थी बसाने जा रहा है। अबे वो देख सामने। वो क्या है? लग तो कोई खम्मा रहा है। खम्मा चलने कब से लगा भाई? ऊपर देख, लगता है सायरन लगी है। हो सकता है कि यहाँ के लोग कोई फंक्शन कर रहे हो और कोई और रीजन से सायरन ले जा रहे हो। हाँ हो तो सकता है। तभी कुणाल आकर गाड़ी में बैठता है। उसके हाथ में गन होती है। भाई ये क्या लाया तू? हम कोई शिकार करने जा रहे हैं क्या? अरे वो बिल्डिंग काउंटर पर उन्होंने कहा कि सर ये ले लीजिए, आपको आगे जरूरत पड़ेगी, ये एरिया बहुत खतरनाक है। ये गन कौन सी है? लेजर। यहाँ सायरन पिलर से क्या? ये क्या होती है? वो हॉलीवुड मूवीज। अरे भाई तू मूवीज कम देखा कर, ठीक है। धीरज गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी सायरन की आवाज आती है। लगता है आसपास कोई फैक्ट्री है। पर ये आवाज थोड़ी अलग है भाई, ना तो एम्बुलेंस जैसी है ना पुलिस जैसी। इंडस्ट्री वाली भी अलग होती है, ये कौन सी है? तभी धीरज झटके से गाड़ी रोक देता है। उन्हें जोर का झटका लगता है। वो लोग नजरें उठाकर देखते हैं तो उनके सामने दो लंबी लंबी टांगे होती हैं, जो पतले पिलर जैसी दिखती हैं। ये क्या बोला है? चुप हो जा भाई। उसी वक्त सामने कुत्ता दौड़ते हुए रोड के इस पार से उस पार जाता है। वो दोनों टांगे भी उस कुत्ते के पीछे चल देती है। उसे देखकर इन लोगों का बुरा हाल हो जाता है और उसके जाते ही चैन की सांस लेते हैं। ये क्या था भाई? हम वापस चले क्या? हाँ यार चलो वापस। वो मॉल वालों की बातों से मुझे डर लग रहा था। अरे तुम लोगों को तो आना था, कितना बोल तो रहे थे भाई। हॉरर डेस्टिनेशन ही चूज करना तो फिर अभी से डरने लगे? अरे यार, अरे ट्रेलर इतना डरावना था तो आगे पूरी फिल्म कैसी होगी? भाई सुन, गाड़ी मोड़ ले। ठीक है चलो वापस। धीरज गाड़ी मोड़ने लगता है। वो इतना डरा हुआ होता है कि ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पाता है। तभी फिर से सायरन की आवाज आने लगती है और उनके गाड़ी के मुड़ते ही फिर से वही टांगे नजर आती हैं उन लोगों को। दो लंबे लंबे पैरों के ऊपर एक शरीर होता है और सिर के नाम पर चार सायरन्स लगे होते हैं। पैरों के जैसे ही पतले पतले लंबे हाथ होते हैं उसके। वो इनकी कार को हाथ में उठाकर खिलौने की तरह ऊपर नीचे करने लगता है। कार के दरवाजे खोल देता है और जैसे ही ऊपर नीचे करता है, ये लोग नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। ऊपर से गिरने के कारण चोट तो लगती है पर जान की फिक्र में उठकर भागने लगते हैं। आयुष के ऊपर लेजर गन गिरती है तो वो उसे लेकर भागता है। भागते
भागते भागते कब जंगल में घुस जाते हैं ये उन्हें पता ही नहीं चलता। आयुष, तूने हमें फंसा दिया। यार मुझे नहीं पता था यार ये जगह इतनी खतरनाक होगी। अगर हम मर गए तो? अरे भागो यहाँ से, अगर वो आया तो लेजर गन से हम उसे मार देंगे। फिर से वही सायरन की आवाज आने लगती है। जंगल के पेड़ों के बीच फिर वही टांगे इन लोगों को दिखने लगती है। ये लोग पत्थरों की आड़ में छुप जाते हैं। मैंने हॉलीवुड मूवीज में देखा है ऐसे क्रिएचर्स को सायरन किलर्स कहते हैं। ये बहुत पावरफुल होते हैं, पर मुझे पता है कि इनको कैसे खत्म करते हैं। यार तुझे जो करना है वो कर, पर आज हम लोगों की जान बचा ले प्लीज। तुम लोग चुप रहना, अगर वो इधर आए तो सब अलग अलग भागना। अब मैं गोली चला रहा हूँ, ठीक है? ओके ब्रो। इधर सायरन किलर पूरे जंगल में लोगों को ढूंढ रहा होता है और अचानक उनके पास आ जाता है। आयुष पत्थर की आड़ से लेजर गन शूट करता है। सायरन हेड का एक सायरन फट जाता है। वो पागल होने लगता है, दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। उसके चीखने से सायरन की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि इन लोगों के कान फटने लगते हैं। इन लोगों को वो पागलों की तरह ढूंढने लगता है। जिधर से गोली चल रही होती है उधर वो जाता है। ये तीनों भाग ही रहे होते हैं कि वो अपने बाएं हाथ में तीनों को उठा लेता है। आयुष लगातार लेजर गन चलाने लगता है, उसके तीनों सायरन्स को टारगेट करता है। उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है। सायरन पिलर के सायरन्स ब्लास्ट कर जाते हैं, साथ में ये लोग भी उस ब्लास्ट में उड़ जाते हैं।